हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं स्माइल इसलिए कर रही हूँ कि मैं किसी की चीटिंग नहीं कर रही हूँ, और आप अगर व्लॉग देखते होंगे तो समझ रहे होंगे कौन ऐसे बोलता है हेलो दोस्तों। तो नहीं, मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ, मैं हेलो हाय बोल रही हूँ आपको, और अपनी स्टाइल में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग खूब अच्छे होंगे, और अपने को अच्छा रखिए, अपने परिवार को अच्छा रखिए। और देखिए, मैं तो खूब रूम में बैठी हूँ फिलहाल। आज बाहर धूप निकली है और इस समय बज रहे हैं 4:30। तो खाना वाना खा के आराम से बैठ गए हैं, और अभी मैंने चाय के टाइम क्या शेयर करूँगी वो आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या बनाया चाय टी टाइम में। तो चलिए, टी टाइम, ब्रेकफास्ट, नाश्ता कुछ कह लीजिए, तो जो बनाऊंगी आज के व्लॉग में। और मैंने पहले भी बोला है कि जब भी व्लॉग आएगा तो आप उस व्लॉग में एक छोटी रेसिपी सही, कुछ भी रेसिपी सही, रेसिपी ना कहिए उसको, मतलब कि हमारा रूटीन समझ लीजिए रेसिपी का, या किसी चीज़ का, चाहे लंच का हो या इवनिंग टाइम टी टाइम हो या ब्रेकफास्ट का हो या डिनर का हो, तो मैं एक वो शेयर जरूर करूँगी। तो आज मैं कर रही हूँ टी टाइम शेयरिंग। तो टी टाइम का शेयर है आप लोगों के लिए कि मैंने क्या बनाया। तो देखते रहिएगा व्लॉग और बने रहिएगा, और अगर ज़रा भी पसंद आए तो भाई लाइक कर दीजिएगा, और क्या कहें, सब्सक्राइब को तो मैं बोलती रहती हूँ, आप सब्सक्राइब कर लिया करिए, और सब्सक्राइब करिए, और चैनल को हमको सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए, और खुश रहिए, मस्त रहिए। चलिए फिर, देखते रहिए ब्लॉग। हेलो दोस्तों, तो ये रोज़ आपके लिए, और ये काफ़ी बड़ा रोज़ है, और देखो आप, ये मेरे पूरे ऐसे हाथ में आ रहा है, इतना बड़ा है, समझो ये काफ़ी बड़ा है। अगर ये अभी खिला नहीं है, इसको तोड़ना इसलिए पड़ा क्योंकि ये इसका जो वेट है ना, इतना बड़ा है, और इसका ट्री जो है वो उसका वेट नहीं ले पा रहा था, तो ये ऐसे लटक रहा था। तो हमने कहा चलो तोड़ लें इसको, और तोड़ लिया। तो कैसा लग रहा है ये खूब अच्छा सुंदर सुंदर सा रोज़? और ये रोज़ आपके लिए, स्पेशली मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए। तो इस रोज़ से मैं आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल होम एंड नेचर में। तो चलिए आज की शेयरिंग देखिए, टी टाइम शेयरिंग। टी टाइम ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है, क्या बना रही हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा। और हाँ, मैंने बोला था कि मैं व्लॉग में अब कोई ना कोई चीज़ खाने की शेयर करूँगी, जैसे कि ब्रेकफास्ट का हुआ, जो मैंने अगर स्पेशली ब्रेकफास्ट बनाया हुआ है उस दिन, जिस दिन का व्लॉग है। और आज मेरा व्लॉग का टाइम था, तो मैंने आज जो बनाया वो शेयर कर रही हूँ। तो व्लॉग, और हाँ, मैं आज टी टाइम शेयरिंग है, किसी दिन लंच रूटीन शेयर होगा, तो किसी दिन डिनर, और किसी दिन ब्रेकफास्ट का। तो इस तरह मैं शेयर करती रहूँगी, और आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने को भी सुरक्षित रखिए, और खुश रहिए, मस्त रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं। और देखते रहिएगा फिर, और आप देख सकते हो मैं बैठी हूँ ये साल वाल लेके, और इधर मैं दिखा दूँ आपको, ब्लोवर भी ऑन, ब्लोवर रखा है यहीं पर मेरा, और इलायची का डिब्बा भी रखा है, तो इसमें से इलायची जब भी मन होती तो मैं खाती रहती हूँ। और मुझे पहले से जानते हैं वो, मेरे को जानते हैं कि मुझे इलायची काफ़ी खाना पसंद है, और एक तक जहाँ तक कहा जाए कि इलायची वेट को कम करती है, तो ये भी सही बात है। तो हो सकता है इसी से मैं दुबली पतली हूँ, वेट ही ना गेन हो रहा हो। चलिए छोड़िए, आप ये भी बताइएगा अगले नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग की किस सरकार को चुन रहे हैं, किसको आप वोट कर रहे हैं। और वैसे तो कोई बताता नहीं है, ये तो मैं बता रही हूँ, और आप बताइएगा कि बताइएगा क्या, मतलब वोट करिएगा जाके, और सेफ्टी के साथ मास्क वास्क पहन लीजिएगा,
तब जाइएगा वोट करने, ठीक है? तो बस वोट करने का मतलब है कि आप उस सरकार को चुनिए, पूरा उसका डिटेल देखिए और उस सरकार को चुनिए जो जिसने देश हित में कई अच्छे कार्य किए हों। और हिंट काफ़ी है, कश्मीर मुद्दा सबसे पहले है, राम जन्मभूमि है जिसके लिए हम लोगों ने इतना वेट किया है। तो मैं किसी पार्टी से का यहाँ पर वो नहीं कर रही हूँ प्रचार, पर बता रही हूँ कि जो चीज़ काम अच्छे हुए वही बता रही हूँ। कई चीज़ें हैं और महिलाओं को सुरक्षा मिली है, सेफ्टी है, और बस इसी तरह से सरकारें जो है हमारा ध्यान रखें। तो ऑलरेडी मेरा वोट उसी को जिसने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं। जय हो। अंत में बोलती हूँ जय श्री राम। टेक केयर, बाय बाय। को हमने बॉयल कर ली है और इधर हमने एक प्याज रख के काट लिया है और ये पत्ता गोभी काटा है थोड़ा सा, और इसमें है गाजर और शिमला मिर्च, तो पत्ते पत्ते की देखिए काट लिए हैं इस हिसाब से, तो बस इसको ऐसे ही काटना है। और इधर हमने कढ़ाई रख दी है बनाने के लिए। तो कढ़ाई सूख गई थी और इसमें हमने 2 चम्मच ऑयल डाला है कुकिंग ऑयल, और इसमें सारी सब्जियाँ डाल दी हैं और ये सब्जियाँ फ्राई हो रही हैं। तेल बहुत कम ही डालना है, बस सब्जियों को फ्राई करना। और ये डाल दिया हमने इसमें नमक, सब्जियों को पकाने के लिए नमक डालना भी ज़रूरी है, और अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसके बाद में आलू डाल रही हूँ, सारी मैक्रोनी डाल दी है। और इसके पास ऊपर चाहिए 2 से 3 चम्मच सोया सॉस, ये गार्लिक पेस्ट, क्योंकि जब आप चाइनीज, और ये टमाटो सॉस, सारा कुछ डालने के बाद अच्छे से इसको 5 से 7 मिनट फ्राई करेंगे। और ये देखिए बन के रेडी हो गई है टी टाइम के लिए, तो आप भी इंजॉय करिए।